हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आई फेस, दिस इज महेश। सो आज के इस वीडियो में हम आरपीएससी ग्रेड वन एग्जाम मैथमेटिक्स के लिए सिलेबस क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। आरपीएससी ग्रेड वन एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज निकली है, तो उसके लिए सिलेबस हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जहाँ पर हमें फोकस करना चाहिए, उन सारे का डिस्कशन आज के इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, सो चलते हैं। पेपर वन हमारा पेपर आरपीएससी ग्रेड वन एग्जाम दो पेपर्स में है, पेपर वन एंड पेपर टू। पेपर वन में राजस्थान के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, पेपर टू में हमारा सब्जेक्ट रिलेटेड के क्वेश्चंस होंगे। तो हम ये पेपर टू हमारा सब्जेक्ट रिलेटेड का जो भी पेपर है उसमें क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं वो जरा देखते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले सिलेबस क्या है पेपर टू का वो जानने की कोशिश करते हैं। पेपर वन के बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन आगे मैं आपको बताऊंगा कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर वन के लिए भी। ठीक है, तो सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक है सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड। जो भी आपका बेसिक मैथमेटिक्स है, जो भी आपने 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ा है, उन टॉपिक्स के ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड, ग्रेजुएशन के अंदर आपने जो भी टॉपिक्स पढ़े जिसमें आप देख सकते हो ग्रुप थियरी, डिफरेंशियल इक्वेशन, कैलकुलस, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, वेक्टर कैलकुलस, 3D ज्योमेट्री एंड स्टैटिक एंड डायनामिक, तो ये टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड के पार्ट में। तो दो टॉपिक हो गए। तीसरा टॉपिक है पोस्ट ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड। तो पोस्ट ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड के आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, लीनियर अलजेब्रा, न्यूमेरिकल एनालिसिस, डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। तो ये हमारा टॉपिक, ये सिलेबस है मैथमेटिक्स का सिलेबस आरपीएससी ग्रेड वन एग्जाम के लिए पेपर टू का। ठीक है, अब जरा हम बात करेंगे कि कहां से कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पेपर टू की बात कर लेते हैं। पेपर टू में टोटल 150 क्वेश्चन है। 150 क्वेश्चन ये चार पार्ट में डिवाइडेड है। चार पार्ट में कैसे डिवाइड है कि यहाँ पर पार्ट जो पेपर टू है उसमें चार पार्ट से क्वेश्चन आते हैं। पार्ट वन में हमारे जो भी क्वेश्चंस होंगे सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन, जो भी आपने 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ा है उस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पर से आपको 55 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड के लिए। ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड की बात करें तो यहाँ पर भी आपने ग्रेजुएशन तक जितना पढ़ा है, 12th से आगे ग्रेजुएशन तक जितने हमने टॉपिक्स भी देखे, उन टॉपिक्स के ऊपर यहाँ पर 55 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड की हम बात करें तो यहाँ पर 10 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप इसके लिए थोड़ा स्किप भी करते हो तब भी काम बनने वाला है, लेकिन ये दो टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ हमारा जो फोर्थ पार्ट आता है जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड एंड ICT के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चंस होते हैं 30 क्वेश्चंस। यानी कि 55 प्लस 55 इससे हमारे सीनियर सेकेंडरी एंड ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड के इन दोनों को मिला के 110 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड यहाँ पर ऐड करोगे तो 30 क्वेश्चन यहाँ से भी हैं, बस 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन कहाँ से, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। तो आप इसे स्किप भी करोगे तब भी काम बनने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम पेपर वन की बात करें तो टोटल यहाँ पर पेपर वन में क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन। तो इन 75 क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री विथ स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, यहाँ पर से 15 क्वेश्चंस, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स सेकेंडरी लेवल का, लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट, हिंदी इंग्लिश, यहाँ पर से कितने क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चंस, और 20 क्वेश्चंस इंग्लिश के हैं। फिर करंट अफेयर से 10 क्वेश्चंस हैं, जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, यहाँ से 15 क्वेश्चंस, एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल सिनेरियो ऑफ राजस्थान, राइट एजुकेशन एक्ट, यहाँ से 15 क्वेश्चंस। तो इनको ऐड करोगे तो यहाँ पर कितने, टोटल 75 क्वेश्चंस। तो ये हमारा मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आप इन डिटेल सिलेबस देखना चाहते हो तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा मैंने मोटा मोटा सिलेबस लिखा है। इन डिटेल सिलेबस देखना चाहते हो तो आप बस क्या करना, गूगल पे जाना। गूगल पे जाने के बाद आप बस यहाँ पर गूगल में जाने के बाद IFS ऑनलाइन टाइप करना, तो यहाँ पर आपके पास ऐसा कुछ दिखाई देगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ऑनलाइन प्रोग्राम्स में जाकर यहाँ पर PSC सेलेक्ट करना है। PSC में RPSC, RPSC में स्कूल लेक्चरर, एंड यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स का आपको सिलेबस दिखाई दे सकता है। यहाँ पर आप मैथमेटिक्स के ऊपर क्लिक करोगे। जैसे आप मैथमेटिक्स के ऊपर आते हो, फिर यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि कंप्लीट सिलेबस, तो कंप्लीट सिलेबस के ऊपर टिक करोगे
तो यहाँ पर आपको पेपर वन एंड पेपर टू दोनों के सिलेबस दिखाई देंगे। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो सिंपली क्लिक करिए उसके ऊपर और यहाँ पर डाउनलोड नाम का ऑप्शन भी दिखाई देगा। तो ये है हमारा इन डिटेल सिलेबस ऑफ पेपर टू ऑफ मैथमेटिक्स, उसके बाजू में ही पेपर वन का भी है। तो इस तरह का हमारा सिलेबस है आरपीएससी ग्रेड वन एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो आज के सेशन में इतना ही था दोस्तों। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग।